केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों ना उनके हिसाब किताब की ऑडिटिंग कराई जाए। बिजली कंपनियों को जवाब देने के लिए कल तक का वक्त दिया गया है। बिजली कंपनियों की ऑडिटिंग को लेकर केजरीवाल सीएजी से मिल रहे हैं। सीएजी से इस बैठक के बाद सस्ती बिजली को लेकर कोई ऐलान हो सकता है। तो एक बार फिर से बता दें आपको, बिजली कंपनियों को केजरीवाल ने नोटिस दिया है और इस नोटिस का जवाब बिजली कंपनियों को कल तक देना है। उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपके जो कंपनी जिस तरह से बिजली दे रही है उसकी ऑडिटिंग कराई जाए, उसी को लेकर सीएजी से भी मिल रहे हैं सीएम, और मुमकिन है कि आज ही बिजली को लेकर कोई बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिजली कंपनियों से जवाब का कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि जो दूसरा तोहफा या दूसरा वादा दिल्ली के सीएम का है वो कल पूरा हो सकता है। ऑडिटिंग को लेकर उन्होंने कंपनियों से सवाल जवाब किया है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि तबियत तो बाद में भी ठीक हो जाएगी, बुखार तो बाद में भी उतर जाएगा, लेकिन हमारी सरकार के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। ये 48 घंटे हम ज्यादा से ज्यादा दिल्ली की जनता की सेवा में लगाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर हमला किया है दिल्ली के सीएम ने कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमारी सरकार चले, और वो जोड़ तोड़ में लगी हुए हैं। और इसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि 48 घंटे के बीच में हमें अपनी जिम्मेदारियां जितनी हम पूरी कर सकते हैं जरूर करेंगे। फिलहाल बिजली कंपनियों को उन्होंने नोटिस भेजा है और पूछा है कि क्यों ना आपका ऑडिट कराया जाए। 4 बजे सीएजी साहब के साथ मीटिंग है बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेके, उसी के लिए जा रहा हूं मैं। और दिल्ली सरकार ने इसको एग्जामिन किया है और दिल्ली सरकार को लगता है कि ये ऑडिट हो सकता है, तीनों कंपनियों का सीएजी का ऑडिट हो सकता है। तो अभी सीएजी साहब से मैं मिलने के लिए जा रहा हूं और कानून के तहत उन तीनों कंपनियों को अपॉर्चुनिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उनको कल सुबह तक का टाइम दिया गया है तीनों कंपनीज को कि उन्हें जो कहना है कि उनका ऑडिट क्यों ना करवाया जाए, तो वो तीनों कंपनीज कल सुबह तक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देंगी। तो दिल्ली के सीएम होने के नाते युद्ध स्तर पर अरविंद केजरीवाल अपने कामों को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राजीव, दूसरा वादा पूरा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके मैनिफेस्टो में यह था कि वो बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाएंगे और उससे संबंधित उन्होंने एक नोटिस भी बिजली कंपनियों को दिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस दौरान कही वो ये कि सिर्फ 48 घंटे की सरकार है उनकी और वो ज्यादा से ज्यादा काम को निपटाना चाहते हैं, कैसे लिया जाए उनके इस बयान को? देखिए, इसमें प्रीति सबसे बड़ी बात इस वक्त जो समस्या केजरीवाल के सामने है वो ये है कि प्रोटेम स्पीकर कौन हो, क्योंकि 1 जनवरी से अगर विधानसभा का सत्र है तो प्रोटेम स्पीकर का की नियुक्ति हो जाना, का उसका शपथ हो जाना बहुत जरूरी था। इस मामले में मैं ये बता दूं, प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, विधानसभा गठित करने की कार्यवाही करता है, और आमतौर पर परंपरा ये रही है कि जो भी सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है उसको उपराज्यपाल या राज्यपाल उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। जगदीश मुखी जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ एमएलए थे, उनको उपराज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, और सोमवार को, आज मंगलवार को उनको शपथ लेनी थी, लेकिन सोमवार की शाम को जगदीश मुखी ने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हर्षवर्धन जो पार्टी के नेता है उन्होंने ये कन्वे कर दिया कि जगदीश मुखी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ नहीं लेंगे, उनकी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब वो इसके लिए तैयार नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा? जो अंकगणित है उसके अनुसार आप पार्टी जो अभी अभी केजरीवाल ने ये साफ किया है कि स्पीकर के उनके प्रत्याशी धीर होंगे, तो अगर आप पार्टी का समर्थन कांग्रेस नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष चुनने के मामले में वो सारे ऑप्शंस ओपन है, तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी तो उस उम्मीदवार को कांग्रेस समर्थन देगी? तो इस स्थिति में भी बहुमत केजरीवाल के साथ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बहुमत तब तक नहीं आ सकता, बहुमत का प्रस्ताव, विश्वास मत का प्रस्ताव, जब तक कि स्पीकर की नियुक्ति ना हो जाए। तो ये सारी पेंच फंसी हुई है और अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंगणित को बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके पास 48 घंटे हैं, 3 जनवरी का वक्त विश्वास मत के लिए है, और इसीलिए वो तेजी से काम करना चाहते हैं। इसीलिए बुखार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हैं, अभी सीएजी से बैठक कर रहे हैं और उसके बाद 5 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे जिसमें कुछ अहम फैसले वो करेंगे, और एक नए साल का और तोहफा
दिल्ली वासियों को मुफ्त पानी के बाद देने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के विधानसभा में स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर का मामला कुछ इस तरह से पेचीदा फंसा हुआ है, जिसमें ये तय नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कांग्रेस उनका साथ देगी या बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी, और ऐसी स्थिति में उनके सरकार का क्या होगा, वो विश्वास मत हासिल कर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है और वो इस समय में जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटों से संबंधित कौन सा बयान दिया। जोड़ तोड़ चल रही है अब, ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास, इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो, तो ये बुखार वगैरह तो बाद में भी ठीक हो जाएगा, बाद में आराम कर लेंगे।